हेलो गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग एंड हैंड्स ऑन रिव्यू करेंगे इन्फिनिक्स की तरफ से आने वाले इस किलर स्मार्टफोन की, जिसका के नाम है इन्फिनिक्स होटेड। रिसेंटली इस फोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है काफ़ी कम प्राइसिंग में। हो सकता है कि इस फोन का प्राइसिंग एंड स्पेसिफिकेशन सुनकर आप हैरान हो जाए। इस फोन को 699 की एग्रेसिव प्राइसिंग में इंडिया में लॉन्च किया गया है, एंड जो फीचर्स आपको इस फोन में मिलते हैं इस प्राइसिंग में, वो बाकी और किसी फोन में आपको नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको 7000 की प्राइसिंग में 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, 5000mAh की बड़ी बैटरी लाइफ, 6.5 इंचेस की वाटर ड्रॉप नोच वाली बड़ी डिस्प्ले, ट्रिपल रियर कैमरास, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड और भी काफी सारे कमाल के फीचर्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं इन्फिनिक्स होटेड की। तो बॉक्स का डिजाइन आप देख सकते हैं, अब की बार कुछ डिफरेंट ग्रीन कलर का इंप्रेसिव डिजाइन आपको मिलता है। फ्रंट में फोन की फोटो आपको मिल जाती है, इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग एंड होटेड यहाँ पर मिडल में मेंशन किया गया है। उसी के नीचे 4GB प्लस 64GB मेंशन किया गया है, जो कि आपको 7000 की एग्रेसिव प्राइसिंग में मिलता है। लेफ्ट साइड में होटेड यहाँ पर मेंशन किया गया है एंड नीचे की तरफ इस फोन के कलर को मेंशन किया गया है, जिसका कि नाम कुछ अजीब सा है, क्वेटजल कयान, यहाँ पर कुछ नाम यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी मैं आपको बॉक्स को ओपन करके दिखा दूंगा कि फ़ोन का कलर आपको कैसा मिलता है। गाइस, बैक साइड में इस फ़ोन की कुछ हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है, जैसे कि 5000mAh की बड़ी बैटरी लाइफ यहाँ पर आपको मिल जाती है, 6.52 इंचेस की HD प्लस वाटर ड्रॉप नोच वाली डिस्प्ले आपको मिल जाती है। तो डिस्प्ले की क्वालिटी भी मैं आपको चेक कराऊंगा। ट्रिपल रियर कैमराज आपको मिलते हैं इस बजट के अंदर एंड डायरेक्ट साउंड मोड भी आपको मिल जाता है, तो साउंड क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड एंड्रॉइड पाई आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्टफोन आपको मिल जाता है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। सार वैल्यू आप देख सकते हैं बोथ हेड एंड बॉडी की, जो कि 1.6 से कम है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। तो बॉक्स को जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आपको इन्फिनिक्स होटेड मिल जाता है, जो कि यार देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो कुछ देर के लिए इस फोन को साइड में रखते हैं एंड चेक करते हैं बॉक्स में बाकी क्या कुछ कंटेंट्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट गाइज आप देख सकते हैं, आपको एक चार्जिंग अडेप्टर मिल जाता है, जिसकी की आउटपुट रेटिंग राइट कॉर्नर में ऊपर बिल्कुल छोटी सी मेंशन की गई है, 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। तो 10 वाट का आपको चार्जर बॉक्स के अंदर देखने को मिलता है। एंड गाइज साथ में आपको माइक्रो USB केबल भी मिल जाती है, जिसकी की क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। उसके बाद गाइज आपको अंदर एक पैकेट मिलता है, जिसके अंदर आपको इस फ़ोन का एक बैक कवर मिल जाता है। तो बैक कवर आप देख सकते हैं, क्वालिटी आपको कमाल की मिल जाती है। सिलिकन का एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर आपको मिल जाता है एंड बैक साइड में छोटे छोटे गैजेट्स का एक प्रिंटिंग टेक्सचर भी आपको मिल जाता है। एंड बैक कवर की क्वालिटी यार कमाल की है, जो कि आपको 10 से 15,000 के स्मार्टफोन्स के साथ भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट गाइज आपको एक सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, जो कि आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद आपको एक स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। एंड उसके नीचे आपको कुछ रीडिंग मैनुअल्स एंड वारंटी कार्ड्स दिए गए हैं, जिन्हें कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। एंड बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको एक और पेज देखने को मिलता है, जो कि है गूगल फाइल्स का। शायद यहाँ पर इन्फिनिक्स ने होटेड के लिए टाइप किया गूगल के लिए, तो गूगल फाइल्स की जो एप्लीकेशन है वो आपको पहले से प्री इंस्टॉल देखने को मिलेगी। तो गाइस बढ़ते हैं अपने स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मार्टफोन को, तो फ्रंट साइड में इस फोन की कुछ हाइलाइटिंग स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता दिया है। तो सबसे पहले इस फोन की बोथ फ्रंट एंड बैक से इन प्लास्टिक स्टिकर्स को रिमूव कर लेते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं इस फोन के डिजाइन को, तो डिजाइन यार देखने में काफी अच्छा लगता है। तो सबसे पहले इस फोन को पावर ऑन करते हैं, जब तक ये फोन ऑन होता है, जब तक हम बात करते हैं इस फोन के ओवरव्यू के बारे में। अगर हम बात करें इस फोन के बैक डिजाइन के बारे में, तो यहाँ पर आपको ग्लोसी एंड ग्रेडिएंट डिजाइन देखने को मिलता है, एक प्रीमियम डिजाइन आपको मिल जाता है, पॉलीकार्बोनेट बैक आपको मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको ब्लू कलर मिलता है, नीचे आपको ब्लैक कलर मिल जाता है, तो आपको ग्रेडिएंट एंड प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है। बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है, 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, f1.8 का अपर्चर एंड यहाँ पर आपको डबल रिंग वाला डिजाइन भी मिल जाता है, जो कि देखने में काफी अच्छा लगता है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर एंड एक लो लाइट सेंसर आपको मिलता है। एंड सबसे बढ़िया बात यह है कि बैक साइड में आपको क्वाड LED फ्लैश लाइट प्रोवाइड की गई है, तो इस फोन की जो फ्लैश लाइट है वो काफी ज्यादा आपको तेज मिलती है। 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने को मिलते हैं एंड पावर ऑन ऑफ बटन उसी के नीचे आपको दिया गया है। एंड पावर ऑन ऑफ बटन पर आपको एक हल्का सा प्रिंटेड टेक्सचर डिजाइन भी मिल जाता है अच्छी ग्रिप के लिए। नीचे की तरफ आपको राइट साइड में 3.5mm जैक मिलता है, उसी के बगल में प्राइमरी माइक्रोफोन, चार्जिंग के लिए माइक्रो USB पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड गाइस लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है। तो सिम ट्रे को एक बारी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं ट्रिपल स्लोट आपको मिल जाता है, यानी एक टाइम पे आप 2 सिम प्लस साथ में माइक्रो SD कार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। एंड गाइज ऊपर की तरफ आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया गया है,
तो ये सारी चीज़ें आपको इस फ़ोन में मिल जाती हैं। तो गाइज़ आप देख सकते हैं फ़ोन ऑन हो चुका है। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स में एंड यहाँ पर सिस्टम में चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं XOS आपको मिल जाता है, वर्जन आपको मिलता है 5.0.2 का। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन आपको एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाता है विद आपको 5 अगस्त 2019 का लेटेस्ट एंड्रॉयड सेफ्टी पैच लेवल भी दिया गया है, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है। गाइस अगर बात करूँ बैक कवर के बारे में, तो बैक कवर एक बार ही मैं आपको यहाँ पर इसके ऊपर चढ़ा कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैक कवर यहाँ पर लगाने के बाद फ़ोन की जो ब्यूटी है वो यार देखने में और भी काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पर आपको एक ट्रांसपेरेंट सिलिकन कवर मिल जाता है एंड जो प्रिंटिंग टेक्सचर है बैक में गैजेट्स का वो यार देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। एंड गाइस इस स्मार्टफोन में अनलॉक करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड को देख सकते हैं टच एंड अनलॉक। जैसे आप इस पर टच करोगे तुरंत आपका डिवाइस यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा। एंड फेस अनलॉक की अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो फेस अनलॉक भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको मिल जाती है फेस अनलॉक की स्पीड भी। एंड दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, जैसे कि आप Xiaomi या फिर Realme के स्मार्टफोन्स में यूज़ करते हैं तो वैसी फास्ट स्पीड आपको यहाँ पर भी मिल जाती है। अगर बात करूँ इस फ़ोन के कैमरा के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वीडियो AI कैम ब्यूटी बोके इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो बहुत फ्रंट एंड बैक कैमरा में आप यहाँ पर बोके यानी पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। AR शॉट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, पैनोरोमा का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो गाइज AR शॉट में आप देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टिकर्स आपको पहले से ही मिल जाते हैं, तो आपको कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल लेंस का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। एंड दोस्तों इस फ़ोन से आप 1080p यानी फुल HD वीडियोस यहाँ पर बहुत फ्रंट एंड बैक कैमरा से यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हैं, कैमरा इस फ़ोन का काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है, आपको अच्छी कैमरा क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। एंड फ्रंट जो सेल्फी कैमरा है वो भी आपको डिसेंट देखने को मिलता है, फ्रंट सेल्फी कैमरा से भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। एंड वीडियो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वीडियो क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। मैं आपको इतना बता दूँ Realme C2 एंड Redmi 7A से आपको बेटर कैमरा यहाँ पर मिल जाता है। गाइस अगर बात करी जाए इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर MediaTek Helio P22 के चिपसेट को यूज़ किया गया है जो कि 2 GHz की क्लॉक स्पीड के ऊपर क्लॉक्ड है, 12 nm की टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस है। एंड यहाँ पर एंटीटू बेंचमार्क स्कोर आपको 78,000 के भी ऊपर देखने को मिलते हैं, तो 80,000 के आसपास आपको एंटीटू बेंचमार्क स्कोर मिल जाते हैं, जो कि ज़्यादा आपको मिलते हैं स्नैपड्रैगन 435, 439 एंड इवन 450 से भी ज़्यादा आपको बेंचमार्क स्कोर आपको मिल जाते हैं। स्नैपड्रैगन 625 के आसपास आपको बेंचमार्क स्कोर मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिलेगी प्राइसिंग के हिसाब से। एंड गाइस अगर बात करी जाए पबजी गेम की परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर आप लो एंड बैलेंस्ड ग्राफिक्स में लो एंड मीडियम फ्रेम रेट के साथ पबजी गेम को प्ले कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर लो सेटिंग्स में पबजी को प्ले करोगे तो कोई भी लैग आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बैलेंस्ड में मीडियम सेटिंग्स में प्ले करते हो तो डिसेंट परफॉर्मेंस वहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, तो अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है लो सेटिंग्स में पबजी गेम को प्ले करते वक्त। और अगर आप प्ले करते हो सबवे सफर्स, टेंपल रन 2 जैसे गेम्स, तो वहाँ पर तो आपको फास्ट परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। दोस्तों इस स्मार्टफोन में MediaTek Helio P22 के चिपसेट को काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है एंड मैंने स्मार्टफोन को यहाँ पर नोटिस किया है Realme C2 एंड Redmi 7A से फास्ट इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाती है। गाइस अगर बात करी जाए इस फ़ोन के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पर आपको थीम स्टोर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि आप 1000 ऑफ द अनलिमिटेड थीम्स एंड वॉलपेपर को डाउनलोड करके अपने स्मार्टफोन में यूज़ कर सकते हैं। तो थीम स्टोर आपको मिल जाता है, FM रेडियो भी आपको मिल जाता है, तो काफ़ी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं तो FM रेडियो भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्मार्ट स्लाइडर भी आपको मिलता है, तो आप यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को ऐड कर सकते हैं एंड अगर आप मूवीज़, यूट्यूब या फिर गेम वगैरह प्ले कर रहे हो तो उस टाइम पे उन एप्लीकेशंस को साइड में यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐप वॉल्ट का फीचर मिल जाता है, ऐप ड्रॉअर का फीचर भी मिलता है, 3D टच का ऑप्शन मिल जाता है एंड इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारे फीचर मिलते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको Infinix Hot 8 की कौन कौन सी वीडियोज़ देखनी है, इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स, टॉप 40 फीचर्स, चार्जिंग टेस्ट वगैरह, जो भी आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो उसी की मैं यहां पर बना दूंगा। एंड किस स्मार्टफोन के साथ आप इसका कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं, तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत एंड टेक केयर।